ना मैंने थोड़ा सा शेविंग विंग कराई, बहुत दिन हो गए थे शेविंग करवाई और पूरी स्किन बर्न हो रखी थी भैया, उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग वेनिंग करवाई देखने के लिए। मैंने कहा भैया बहुत बुरे हालत हो रखे हैं, हाल हो रखे सनबर्न से, भैया चमड़ी निकल रही थी भाई बिल्कुल। तो भैया आप लोग जब जाएँ ना ऊपर तो ये ध्यान रखें कि अपना सनस्क्रीन और ये सब जो भी चीज़ें चाहिए होती थोड़ा स्टडी करके जाएँ सनबर्न से बचने के लिए, बिकॉज हम तो देसी जाट आदमी, हमने कभी लगाया नहीं कुछ, तो हमारी हालत हो गई थी ख़राब। अब ठीक है यार, और अच्छा फील हो रहा है रेस्ट करके एक दिन। चलो अब रास्ते मिलते हैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह, चाय वाय पियेंगे रुक के, तो वहाँ मिलते हैं आपसे। अब रुद्र तो जा चुका है, रुद्र है नहीं, अकेला हूँ, थोड़ा बोर हो जाऊँगा मुझे मालूम है, बट इट्स ओके। वो कल निकल गया था बिकॉज उसको आज फ्लाइट पकड़नी थी शाम को संडे की, मैंने उसको बोला था सुबह से जल्दी निकलने के, बट वो माना नहीं, उसको कुछ घर का भी कुछ काम था, तो कल वो यहाँ से ट्रेन से निकल गया। अब मैं अकेला ही सफ़र करूँगा, अब मेरे साथ ही तो आप ही हो सफ़र के भैया, मिलते रहते थे बीच बीच में। चंडीगढ़ से क्रॉस करके रिलायंस का पेट्रोल पंप था, तो हमने सोचा ऐसे तेल डलवा लें बिकॉज रिलायंस का तेल अच्छा होता है, तो टंकी करवा रहे हैं अपन फुल बिल्कुल लबालब। तो एक बार तो अभी टंकी हमने लबालब करा ली है, अब यहाँ से देखते हैं अगर यहाँ पर नाइट्रोजन होगी तो नाइट्रोजन डलवाएंगे और सीधा छलांग मारेंगे सीधा आगे। अब अकेले गाड़ी चलाते थे बोर रहता है यार, वो जब तक रुद्र था ना तो इतनी लंबी लंबी गाड़ियाँ चलाई, मतलब इतना 10-10 घंटे का स्ट्रेच भी पूरा किया एक बार में यार। अब अकेला थोड़ा बोर हो रहा हूँ यार, कितना तो गाने सुनूं और कितना इधर उधर देखूं यार, सामने देख रहा अकेला बैठे बैठे कुछ है ही नहीं करने के लिए, बकचोदी मारने के लिए भी कोई नहीं है, आराम से बैठे हैं बस भाई यार। अपन पहुँचने वाले हैं भाई अब कुरुक्षेत्र, कुछ 20 किलोमीटर है यहाँ से कुरुक्षेत्र जो दिख रहा है बोर्ड के सामने, और दिल्ली है 180 किलोमीटर। अकेले अकेले बोर हो गए यार, अब वैसे भूख भी लग रही है, तो देखते हैं कहीं पे कुछ यार मिल जाएगा खाने के लिए। तो मेरा आज दिल कर रहा है कुछ मैकडी का बर्गर खाने का, पता नहीं ये सस्ते मैकडी आता है कि नहीं आता। जब आप चंडीगढ़ और अम्बाला वगैरह क्रॉस कर देते हो ना, फिर आपको दोनों साइड में खेत दिखते हैं, आपको दिख रहे होंगे खेत, फिर राइट साइड में और पेड़ देखो पूरे जबर बढ़िया लग रहे हैं, बहुत सुंदर खूबसूरत देखो, पूरे खेत ही इस तरफ जी पूरे, अब जो फसल कटी है शायद कट गए होंगे इनके। जो जो भी लोकेशन आती है जैसे कुरुक्षेत्र आ गया है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे ट्रैफिक मिल जाता है यार सिटी के अंदर, और सिटी से कुछ 2-4 किलोमीटर आगे पीछे ट्रैफिक होता है, ठीक ठाक ट्रैफिक होता है, क्योंकि लोग ऑफिस का टाइम है, काम काज का टाइम है, रोड पे अभी ना यार एक दो गाड़ियों के बच गई एक्सीडेंट हो गया, ऐसे वाली गाड़ी ने ना I-10 को पीछे से ठोक दिया बढ़िया, पता नहीं कहाँ देख रहा था ये भाई, ऐसा ना क्या करो यार, अपना रोड पे चलते हो ध्यान रोड पे रखा करो यार, ये क्या मतलब होता है, वो बंदा सही चल रहा है आपने मोड़ के सीधे ठोक दिया पीछे, अब उसका पिछला पूरा ख़त्म। बंदे ठीक है सारे, बंदे ठीक है अच्छी बात है, हल्के पे रास्ते में काफ़ी सारे कीनू वाले खड़े हैं जूस वूस बना रहे, सोच रहे चलो जब तक तो कुछ मिलता नहीं यहीं पर एक स्ट्रेच मारा जाए और आगे जो कीनू संतरे जैसे होता, जो संतरे जैसे होता है जो मोटा मोटा है ना वो काफ़ी है, तो आगे जो भी आएगा उसका एक जूस वूस पीते हैं कीनू। मैकडी का तो दिखा नहीं अब तक, लेकिन बर्गर किंग दिख गया, बर्गर किंग वाला बोल रहा है कि 5 मिनट की दूरी पे है इसी रास्ते में, पता नहीं कहाँ पे हो भी मैं जहाँ पे भी हूँ यार, क्या फ़र्क पड़ता है, चल रहे हैं रोड पर मजे में। मैं देखो ऐसा है कि मैकडी तो आया नहीं पर बर्गर किंग आ गया, मतलब आ नहीं गया, बोर्ड दिख गया मुझे एक, उसमें लिखा था कि भैया 5 मिनट की ड्राइव पे है, तो अपन चल रहे हैं हाईवे पे, अगर हाईवे पे आ गया तो अपन रोक लेंगे, और अगर नहीं आया तो ना सही, बट अपन नहीं जाएंगे यहाँ वहाँ, अपने को हाईवे पे चाहिए ताकि अपने को टेंशन नहीं हो। तू क्या चल रहा है लाला, तू बंद हो जा। हाँ एक तो गोप्रो स्टार्ट करने में भूल जाता हूँ भाई, कितनी बार तो ऐसा हुआ कि कम से कम लगा लो आपकी आधे घंटे में याद आया कि मैंने GoPro ऑन करके छोड़ा हुआ है, और वीडियो बनी फिर आज जाके एडिट मारेंगे मेरी कुछ अच्छे निकल गया था बढ़िया, लेट आधे घंटे को वीडियो बनाता है GoPro से, पागल हो गया फिल्म बना रहा हूँ मैं। देखो भाई यहाँ हो गया एक्सीडेंट एक और, ये नहीं एक्सीडेंट हो गया कि आग लग गई इसमें ट्रक में, भाई साहब ट्रक दू के जल गया पूरा। ये
लाइटें जल गया पूरा ट्रक। देखो भाई यहाँ पे मुझे लगता है दो ट्रक की होगी टक्कर और उसमें ये इसमें लग गई आग गंदे वाली। दो ट्रक भयंकर जल गए भाई। यहाँ से निकलने का फायदा है। पुलिस वाले खड़े हैं अभी देख रहे हैं अपने, हरियाणा पुलिस वाले हैं भाई, वैसे नहीं छोड़ेंगे भाई। मेरी समझ तो आ रहा है आग किस तरह लगी इसमें ट्रक में भाई, दोनों में टक्कर हुई है, जीब आग लगी है, टायर पट गया, जीब आग लगी है, भगवान जाने किस तरह लगी है, पर आग तो लगी है भाई। मिला तो है बट पता नहीं सुबह 9:30 बज रहे खुला होगा कि नहीं खुला होगा, यही से 2-3 मिनट की दूरी पे है। बस जा रखा है यहाँ तो लोगों ने भैया अपने दुकान वकान का बढ़िया मेला वेला लगा हुआ है कुछ। इन 500 मीटर्स स्लाइट लेफ्ट सर्कस वगैरह है यहाँ तो भैया, सर्कस दिखा रहे हैं यहाँ तो लोग बाग। मिला तो थोड़ा आगे निकल गए थे, अब यहाँ से झिलमिल ढाबा और सब है और अपन यहाँ से यू टर्न लेकर आए आगे। मैंने कहा चलते हैं अभी एक बार देख तो ले कम से कम है कहाँ है। तो भैया देखो यही है तो मैगडी, पर ये नहीं पता खुला है कि नहीं है। मैगडी तो है, चलो देखते हैं एक बार अंदर घुस के है कि नहीं है भैया। अंदर जाके मुझे लगता नहीं खुल रहा है यार, ये तो बंद लग रहा है मुझे तो। बंद हुआ तो गुस्सा आया है भाई, ये तो गलत बात है यार। यहाँ पे है तो ड्राइव थ्रू पर ये नहीं पता खुला है कि बंद है, एक बार देख लेते हैं एक बार। मैगडी का ड्राइव थ्रू है तो सही लगता है लेकिन बंद है शायद। अरे रुक जा काका, ये तो बंद है यार, ये तो लग नहीं रहा। बारबेक्यू नेशन है पर उसमें उसका मुझे क्या करना है, बारबेक्यू नेशन का हमें तो निकलना है, फिर निकलते हैं और क्या करें। मैकडे था 10 बजे खुलेगा अपना, 10 बजे तक क्या करना अपने बैठ के यहाँ पे, अपन निकलते हैं फिर। चलो मिला तो सही बट अपने को नहीं मिला, कुछ और देखते हैं फिर। ऐसी क्या बात है, हिम्मत नहीं हारने का, आगे बहुत जगह है पर अब कुछ खा लेंगे यार, भूख लग रही है। इतना बड़ा शरीर है कुछ तो जाना चाहिए पेट में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यार। भाई ये बंद हो जा चचा, ये रास्ता देख रहे हो भाई, ये करनाल से हमने छोड़ दिया रोड हाईवे और अपन निकल रहे गाँव की तरफ, जहाँ से परिवार को साथ लेकर आएंगे। बच्चे भी वहीं पर मौज मार रहे हैं तब से, पिछले 10 दिन से। ये पहले सिंगल रोड हुआ करते थे लेकिन अब एक कम से कम योगी जी के आने के बाद इन पर काम तो चालू हुआ है बढ़िया, थोड़ा बहुत तो खैर होता ही है। अभी बंद तो रहा है कम से कम डबल हाईवे, पूरा 6 लाइन का हाईवे लग रहा है। यमुना के पुल, यमुना की हालत देखो यहाँ पे कैसी है भैया, बिल्कुल खत्म ऑलमोस्ट, पानी है ही नहीं ना के बराबर। देखो ये कोनारे किनारे पर थोड़ा पानी है, साइड साइड में बाकी तो पूरा खेती हो रही है इसके अंदर। यमुना में भी, यमुना में खेती हो रही है, देखो कुछ है ही नहीं। यहाँ से पुल को क्रॉस करते हैं अपन, यूपी में एंट्री कर देंगे, अब तक हरियाणा में थे। यूपी की पहचान कि खेत ज़्यादा और मकान कम। यहाँ पे खेतों का तो मज़ेदार हरियाली बहुत है खेतों की। ये आपका यूपी का टशन देख रहे हो, बस के पीछे बंदे ने भाई साहब वो पकड़ रखी है, बस के पीछे बस पकड़ रखी लड़के ने, इतना आरामी लौंडा देख देख, ब्रेक मारेगा तो कहाँ जाएगा देखो तुम, जरा ये ऐसे देखो तुम, देख रहे हो तुम इसे, नोना आराम ही है भाई साहब। बंद हो जा, तो आपने देखा भाई उसे गाड़ी वाले को, वो सर रिक्शा वाले को जिसने गाड़ी पकड़ रखी थी भाई, हदी हराम लौंडा था भाई। उसको इतना दिमाग नहीं आया कि अगर ब्रेक मार दे, अगर बस ने ब्रेक मार दी गई इमरजेंसी में, उसका सर का तरबूज खिंच जाएगा। पर बेवकूफ़ आदमी, मेरे निरा ही बेवकूफ़ आदमी है। और पता नहीं बस पकड़ी कैसे, मैं तो ये सोच रहा हूँ बस पकड़ी कैसे होगी, बस पकड़ना भी तो एक अलग ही वो है रूल भाई, रिक्शा से बस कैसे खड़ी खड़ी पकड़ ली बंदे ने,
पता नहीं क्या करने आया भाई, जहरी लौटना था, जहरीला बिल्कुल हदी लौट। देख लो भाई यहाँ पे एक तो गर्मी तो हो रही है खैर, और वो देखो यार साइड में खेत दोनों साइड और हाईवे, ऐसी जगह पे गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है भाई। गॉड भाई दोनों साइड तो खेत है देखो, मस्त मजेदार। ये यमुना से लगा हुआ इलाका होगा, वैसे यहाँ पे खेती होती भी है यार, काफ़ी खेती होती है इस एरिया में तो। लेकिन रोड देखो ना, योगी सरकार ने तो भैया मजा बांध रखा है, नहीं तो इस रोड पर भाई इतने गहरे गहरे खड्डे थे कि आपकी गाड़ी का सस्पेंशन भी टूट जाए। ट्रक वाले आते नहीं थे ट्रक इस रोड पे, बिकॉज उनके मतलब सस्पेंशन टूट जाते थे, सस्पेंशन छोड़ो उनके उनकी कहीं होगी तो कमानी टूट जाती थी। हम निकल गए हैं घर से, अब जा रहे हैं दिल्ली, पहले पहुँचेंगे बड़ोत, उसके बाद निकलेंगे दिल्ली की तरफ हाईवे पकड़ के। और ये है शिवांश, ये शिवांश बोलो हाय, बोलो हाय। हाँ तो ये शिवांश है और अब हम सीधा बड़ौद की तरफ जाएंगे। जाम बहुत है एक तो यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि गन्ने की कटाई होती है आज तो। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ठीक है, चलो भाई ये बात नहीं करने देंगे, ये प्रधान जी हैं सारे चुप नहीं होते। हाँ बोलो, पहले हमें ऑफिस जाना होगा। ओके ठीक है, इस बार हम बदौत आएगा बाद में। ठीक है हाँ मैं बोलूँ। हाँ। चलो ठीक है भैया, हम आप बड़ौती सिटी बड़ौती है सामने, ये छोटी सी नहर है जिसको क्रॉस करने के बाद सीधा बड़ौदा आ जाता है, तो इसको क्रॉस करने के बाद बड़ौदा आ गया है, यहाँ से हम सीधा बागपत और सीधा दिल्ली के लिए क्रॉस करेंगे सिटी को। चढ़ गए हैं आप पुल पे, मतलब पुल पे नहीं कुंडली माने सर जो केएमपी है उस पे चढ़ गए बागपत से, तो वो इसलिए चढ़े बिकॉज ये शॉर्टकट है और ब्रेक नहीं, ब्रेकर नहीं है, रेड लाइट्स नहीं है, ट्रैफिक नहीं होता इस पे, तो अमूमन यही रास्ता मैं यूज़ करता हूँ जब भी मैं गांव की तरफ से आता हूँ। तो ये भी एक इस पे दो टोल पड़ते हैं, एक 25 रुपये का लगता है और एक कुछ 90s में लगता है, कुछ 90 रुपीज़ के आसपास का। ठीक है अब तो हम ऑलमोस्ट एक घंटे के बाद हम पहुंच जाएंगे घर। तो भाई हमने एग्ज़िट कर दिया है यहाँ से, केएमपी से भी एग्ज़िट कर दिया है और अब यहाँ से और थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। तो भाई इसके साथ ही आप कह सकते हो कि हमारा जो ट्रिप था स्पीति का वो कंप्लीट होता है, बिकॉज यहाँ से थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। अब सिर्फ ये रिक्वेस्ट आप सबसे कि यार अपना अपना जिसने भी ये ब्लॉग्स देखे हैं सारे के सारे, जिसने भी सारे के सारे सीरीज़ देखी है पूरी की पूरी स्पीति, तो यू पीपल्स न्यू कि कितना एफर्ट लगा, कितनी मेहनत लगी है इसको शूट करने में और पूरी स्पीति ट्रिप को बनाने में। मेरी तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है यार कि जो चैनल है हमारा एस्केप विद HSR उसको आप सपोर्ट करें, उसको पूरा आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, है ना। तो आपके 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 इस सपोर्ट की वजह से फिर क्या होगा, हम फर्दर और अच्छे अच्छे लोकेशंस देखेंगे जाएंगे, है ना। हाँ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगर आपको लगता है मुझे हमें किसी ऐसी लोकेशन का बनाना चाहिए जिस लोकेशन का आप चाहते हैं देखना वीडियो, तो आप मुझे बताएं, हम जल्दी उस लोकेशन को प्लान करेंगे और वहाँ पर जाएंगे।